हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 04 लेकर के आया हूँ। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोगों को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था और आज पढ़ना है हेटरोट्रॉप के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 04। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कल जो पढ़ाया था। तो मैंने क्या पढ़ाया था? फोटोसिंथेसिस। ये दो वर्ड से मिलकर बना, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है बोलिए? लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या चीज का फॉर्मेशन? फूड का। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट अपना फूड बनाता है उसी को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। समझ में आ गया? लाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट अपना फूड बनाता है उसी को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या बताया था बोलिए? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर है जिससे फोटोसिंथेसिस रुक सकता है या बढ़ सकता है? तो सबसे पहला फैक्टर था वाटर, या सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं? H2O। वाटर या H2O। प्लांट जितना वाटर अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है उसका बस 1% वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। कितना वाटर यूज करता है? 1% वाटर यूज, जो एब्जॉर्ब करता है उसका। ओके, इतना समझ में आया? कितना वाटर यूज करता है? केवल 1%। अगर किसी भी जगह पर पानी न मिले प्लांट को किसी भी कारण से किसी भी जगह पर, तो वो प्लांट क्या होगा? धीरे धीरे सूख जाएगा। लेकिन इनिशियल डे में वो नहीं सूखेगा। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि प्लांट का जो गार्ड सेल होता है वो ट्रांसपीरेशन नहीं करेगा। ट्रांसपीरेशन मीन्स वाटर लॉस नहीं करेगा। प्लांट का जो गार्ड सेल होता है वो वाटर लॉस नहीं करेगा, जिसके कारण प्लांट इनिशियल में कुछ दिन तक नहीं सूखेगा। और उससे क्या होगा? प्लांट का स्टोमाटा क्लोज रहेगा हमेशा। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके कारण प्लांट अपना फूड भी नहीं पाएगा। आ गया? प्लांट अपना नहीं बना पाएगा, जिसके कारण से प्लांट सूख जाएगा। सेकेंड फैक्टर क्या था बोलिए? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर डिक्रीज करेगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज करा तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाएगा, बट सर्टेन लिमिट तक। अगर अप टू सर्टेन लिमिट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा और प्लांट डेड कर जाएगा, मीन्स प्लांट फूड अपना नहीं बनाएगा। ओके, थर्ड क्या था बोलिए? पहले लाइट के बारे में मैं बता देता हूँ। लाइट, लाइट क्या होता है?
सनलाइट से जो एनर्जी आता है, सनलाइट से जो रेडिएशन होता है, वही होता है सिंपली लाइट। तो अगर लाइट बहुत ज़्यादा आने लगे, लाइट अगर नॉर्मल आ रहा है तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करेगा आराम से। अगर लाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम गया, जैसे क्लाउडी डे में लाइट का अमाउंट कम रहता है, तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस बहुत आराम आराम से करेगा, मतलब बहुत कम होगा, प्लांट अपना फूड बहुत कम बनाएगा। अगर लाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, मींस लाइट का अमाउंट इंक्रीज हुआ, तो सनलाइट फूड अपना जल्दी जल्दी बनाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ गया तो फिर से प्लांट फूड बनाना बंद कर देगा, फिर से प्लांट फूड नहीं बना पाएगा। ओके, और प्लांट किस किस लाइट का कौन सा स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब करता है बताइए, रेड और ब्लू कलर का, रेड ब्लू स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब। और रिफ्लेक्ट कौन सा कर देता है, रिफ्लेक्ट ग्रीन स्पेक्ट्रम। और ग्रीन स्पेक्ट्रम को प्लांट क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और फोर्थ फैक्टर जो था, लास्ट फैक्टर, वो क्या है, टेम्परेचर। क्या है बोलिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर नॉर्मल है तो प्लांट आराम से अपना खाना बनाते रहेगा। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड किया, कितना टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर एक्सीड किया, तो प्लांट फिर से अपना फूड नहीं बनाएगा। तो यही सब चीज़ें मैंने कल पढ़ा रखा था, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आज का टॉपिक मैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाऊंगा। कर लिए नोट, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। कर लिए, चलिए आज क्या पढ़ना है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। लोगों ने हमारा पिछला नहीं देख रखा है, टाइप करें न्यूट्रिशन 01 इन प्लांट 02, मिल जाएंगे मेरे। ओके, उसे देख ले या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड। कितने मोड होते हैं, दो मोड। तो फर्स्ट मोड पूरा खत्म हो चुका है, ऑटोट्रॉपिक मोड। हेटेरो का मतलब क्या होता है बोलिए, अदर्स। ट्रॉपिक मींस नॉरिशमेंट, मींस ऐसा प्लांट जो अपना फूड बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे, उसे क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखाएगा बोलिए, पहले मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ। ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब किस पर डिपेंड होते हैं, दूसरे पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। जितने भी एनिमल होते हैं वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ऑल एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज ओन फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते। पढ़िए क्या है, ऑल एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं। और भी चीज़ होते हैं, जैसे क्या होते हैं बोलिए, नॉन ग्रीन प्लांट, जो प्लांट हरा कलर का नहीं होता है वो भी दूसरे पर डिपेंड होता है फूड के लिए। तो ऑल एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज ओन फूड, और इसे दूसरे पर डिपेंड होना होता है अपना फूड के लिए। पढ़िए,
ऑल एनिमल फंजाई बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज ओन फूड, दे डायरेक्टली दिख रहा या इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर फूड। कैसा प्लांट? ग्रीन प्लांट। जितने भी फंजाई बैक्टीरिया नॉन ग्रीन प्लांट, वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, वो ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से अपना फूड बनाने के लिए। डायरेक्ट रूप से कैसे डिपेंड होते हैं? जैसे बकरी, बकरी भी एनिमल्स है, बकरी जो गोट होती है वो सिंपली घास को खाती है, बकरी घास को खाती है। और हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग, वो क्या करते हैं? बकरी को खा जाते हैं, गोट को मांस बना के, मीट बनाकर कंज्यूम कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से हम भी घास पर डिपेंड हुए ग्रीन प्लांट पर, क्योंकि बकरियां घास खाई और हम बकरी को खाए, तो इनडायरेक्ट रूप से हम लोग डिपेंड है। तो ऑल लिविंग, ऑल एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट कान सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डायरेक्टली, डायरेक्टली जैसे कौन है? गोट। इनडायरेक्टली कौन है? ह्यूमन बींग, डिपेंड अपन प्लांट फॉर फूड। समझ में आया? इतना पढ़िए। ऑल एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड अपन ग्रीन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन या फॉर देयर फूड। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इज कॉल्ड एज, बोलिए, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक में क्या होता था? वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बना लेता था, यहाँ क्या है? उसे डिपेंड होना पड़ रहा है ग्रीन प्लांट पे, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। समझ में आया? पढ़िए। पढ़ लिए? अब क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ प्लांट होते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मींस फूड बनाने दूसरे पर डिपेंड हो। वो प्लांट दो टाइप के हैं, होते हैं पैरासिटिक प्लांट और एक होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन होते हैं बोलिए? इंसेक्टिवोरस। पैरासिटिक कौन होते हैं बताइए? जो फूड बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे, जो फूड अपना फूड बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे, इसके बारे में मैं फूल अभी पढ़ाऊंगा और इसके बारे में भी। इंसेक्टिवोरस कौन होते हैं? ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। क्यों खाते हैं? सबका जवाब आपको आंसर में मिलेगा। ओके, इतना नोट डाउन कीजिए अच्छे से। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट दो तरीके से करता है, पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैरासिटिक के बारे में। साफ कर दूं, लिख लिए ऊपर का? फर्स्ट क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैरासाइट क्या होता है। पता है आप लोगों को पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट का हिंदी में मतलब होता है परजीवी। क्या मतलब होता है बोलिए? परजीवी। परजीवी का मतलब होता है ऐसा जीव जो दूसरे पर डिपेंड हो, पर दूसरे पर डिपेंड हो। तो क्या बोला जाएगा? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसी को
क्या बोला जाता है, पारासिट, पारासाइट। और ऐसा प्लांट जो अपना फूड बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे उसे क्या बोला जाएगा, पैरासिटिक प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पारासाइट क्या होता है। पारासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड बनाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, अपना खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे। समझ में आया, पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव्स ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट इन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन अदर्स, अदर्स ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। समझ में आया। और क्या करते हैं, उसके बॉडी से वो न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। समझ में आ रहा है, पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन अदर्स ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। अपना फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है पैरासाइट को। पढ़िए इसे एक बार। और ऐसा पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे से अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है, और जिस ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिएंट लेता है उसे बोला जाता है होस्ट। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट and the nutrients is called as, बोलिए आ जाता है host। ये वाला नोट कर लिए। और जिसे पैरासाइट अपना भोजन लेता है उसे क्या बोला जाता है, host। जैसे ह्यूमन बींग के बॉडी पर मच्छर आकर अपना न्यूट्रिएंट लेकर के चला जाता है तो हम लोग क्या है, होस्ट है। समझ में आया, होस्ट क्या होता है। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट इज नोन एज होस्ट। मींस जहां से पैरासाइट अपना फूड लेगा उसे क्या बोला जाएगा, होस्ट। समझ में आ रहा है, पैरासाइट क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे और कहां जहां से वो फूड लेगा उसे क्या बोला जाएगा, होस्ट। समझ में आया, पढ़िए। अब क्या बात करना है, फर्स्ट टाइप पर। फर्स्ट टाइप क्या था बोलिए, पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट मींस पैरासाइट से क्या समझ में आ रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड हो फूड के लिए। तो पैरासिटिक प्लांट क्या होगा, ऐसे प्लांट जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे उसे बोला जाएगा पैरासिटिक प्लांट। तो क्या लिखेंगे, द प्लांट्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन अदर्स plants for their nutrition, for their nutrient means ऐसा प्लांट जो अब दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहे अपना न्यूट्रिएंट लेने के लिए उसे क्या बोला जाएगा, पैरासिटिक प्लांट इज नोन एज
इज नोन एज पैरासिटिक प्लांट। समझ में आया? मीन्स ऐसा प्लांट जो दूसरे पर डिपेंड रहे अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? पैरासिटिक प्लांट। पढ़िए, समझ में आया? ऊपर का साफ कर दूं, यहां तक नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके कर लिए वहां तक। पैरासिटिक प्लांट क्या होता है? ऐसे प्लांट जो अपना न्यूट्रिएंट किसी अन्य प्लांट से ले, उसे क्या बोला जाएगा? पैरासिटिक प्लांट। अब ये जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर, और वो पूरे जिस प्लांट पर वो डिपेंड रहते हैं, जो होस्ट होता है, उसको चारों तरफ से घेर लेता है। उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है होस्ट एरिया। पैरासिटिक प्लांट लव स्पेस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक रूट। दिखेगा जिसे बोला नोन या को क्या बोला जाए? होस्ट एरिया। और ये क्या? पैरासाइट अपना उस होस्ट एरिया से क्या करेगा? उस किसी भी प्लांट से वो अपना न्यूट्रिएंट ले लेगा। समझ में आया? पैरासिटिक प्लांट डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक रूट, जो कि रूट जैसा लगता है, उसे बोला जाता है होस्ट एरिया। टू ऑब्टेंड देयर यूजफुल न्यूट्रिएंट। समझ में आया? वो अपना यूजफुल न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे क्या चीज से? होस्ट एरिया से। नोट डाउन कीजिए, पैरासिटिक प्लांट क्या करता है? स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसे बोला जाता है होस्टोरिया, और वो क्या करता है? यूजफुल न्यूट्रिएंट उस प्लांट का ले लेता है। समझ में आ रहा है? और यूजफुल न्यूट्रिएंट ले लेता है। पढ़िए, पैरासिटिक प्लांट डेवलप स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज होस्टोरिया। समझ में आया? जो कि क्या करता है? स्पेशल रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? विच पेनिट्रेट द स्टेम ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई प्लांट है, उसके बाहर से एक पैरासिटिक प्लांट आया और उसे चारों तरफ से घेर लिया, और वो जो प्लांट रहेगा होस्ट, उसका जो स्टेम होगा उसके चारों तरफ वो क्या कर लेगा? घेर लेगा, सराउंड कर लेगा, और क्या करेगा? उसमें अपना ये जो होस्टेरिया है, होस्टेरिया क्या है? रूट लाइक पार्ट, उसे उसके अंदर चुभो देगा, अंदर में भोंक देगा, जिसके कारण वो गिरे ना, निकले ना, अंदर में डाल देगा। समझ में आया? तो पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं? वो स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसे बोला जाता है होस्टेरिया। ये क्या करता है? उस होस्टेरिया से वो अपना यूजफुल न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर लेता है, और क्या करता है? उसके अंदर वो अपना उस प्लांट के स्टेम में अपना चुभो देता है होस्टेरिया को। समझ में आ गया? पढ़िए,
पैरासिटिक प्लांट डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर लुक लाइक रूट व्हिच पेनिट्रेट द स्टेम ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म नोन एज होस्टेरिया टू ऑब्टेन देयर यूजफुल न्यूट्रिएंट। समझ में आया? कैसा न्यूट्रिएंट? यूजफुल या वैल्यूएबल। बुक्स में वैल्यूएबल लिखा रहता है। समझ में आया? नोट डाउन कीजिए अच्छे से। लिख लिया इतना? साफ कर दूं? अब जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं, पैरासिटिक प्लांट दो कैटेगरी होते हैं। ऐसा पैरासिटिक प्लांट जो अपना फूड के लिए दूसरे पर पूरे तरीके से डिपेंड हो, उसे बोला जाता है टोटल पैरासिटिक प्लांट। क्या बोला जाता है? टोटल पैरासिटिक प्लांट। और ऐसे पैरासिटिक प्लांट जो थोड़ा थोड़ा डिपेंड हो, थोड़ा काम खुद करता हो और थोड़ा काम दूसरे प्लांट से करवाता हो, उसे क्या बोला जाता है? पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल पैरासिटिक मीन्स ऐसा प्लांट जो कुछ फूड बनाने का काम खुद करता हो और खुद थोड़ा सा दूसरे से बेनिफिट लेता हो, उसे क्या बोला जाएगा? पार्शियल। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में अभी पढ़ाऊंगा, समझे? तो ऊपर क्या है ये समझ गए? नोट डाउन कीजिए पूरे अच्छे से। कर लिए? पैरासिटिक प्लांट का फर्स्ट टाइप क्या है बोलिए? टोटल पैरासिटिक प्लांट। टोटल पैरासिटिक प्लांट, ये जो टोटल पैरासिटिक प्लांट होते हैं फुल्ली डिपेंड होते हैं अदर प्लांट पे। फुल्ली डिपेंड्स अपॉन द अदर प्लांट्स। क्यों होते हैं? फॉर देयर न्यूट्रिशन। समझ में आया? टोटल पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं? पूर्ण तरीके से, फुल्ली तरीके से डिपेंड होते हैं अदर प्लांट पे। क्यों होते हैं? फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो फुल्ली डिपेंड अपॉन अदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। समझ में आया? और इसमें क्या होता है? नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन लीव्स। क्या होता है? उसे उसका पत्ता हरा नहीं रहता है लंबे समय तक। कुछ दिनों तक हरा रहेगा, उसके बाद क्या होगा? कलर उसका चेंज हो जाएगा। ज़रूरत नहीं होता है हरा रखने का। हरा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट को अपना फूड बनाना होता है और ये टोटल दूसरे पर डिपेंड है फूड के लिए, तो इसे क्या ज़रूरत है अपना पत्ता हरा रखने का? समझ में आया? तो ये फुल्ली डिपेंड होते हैं अदर प्लांट पे अपने, क्यों? न्यूट्रिशन के लिए। और इसे ज़रूरत नहीं होते हैं ग्रीन लीव्स रखने का। समझ में आया? नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन लीव्स। एग्जाम्पल क्या है बोलिए? कसकुता। इसे और क्या बोला जाता है? अमरबेल। अमरबेल देखा है आप लोगों ने? कसकुता या इसे और क्या बोला जाता है? अमरबेल।
एक ही टी होता है इसमें, क्या होता है, कसकुता या अमरबेल। समझ में आया? इसी का एक और नाम होता है डॉडर, क्या होता है बोलिए, डॉडर। ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट होता है रूटलेस, मींस इसके अंदर, इस प्लांट के पास कोई जड़ नहीं होता है, रूटलेस मींस इस प्लांट के पास जड़ ही नहीं होता है, इस प्लांट के पास जड़ होता ही नहीं है, जो जमीन के अंदर में रहता है, सभी प्लांट में होते हैं। तो ये कैसा प्लांट है, रूटलेस प्लांट है, मींस इस प्लांट के पास जड़ नहीं होता है और ना ही इसमें पत्तियां होती है, रूटलेस एंड लीफलेस प्लांट, लीफलेस। ना इसमें रूट होता है, ना इसमें जड़ होता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा, एक ऐसा प्लांट बताइए जिसमें न रूट होता हो न जड़ होता हो, ऑप्शन रहेगा कसकुता, अमरबेल या डॉडर, तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आ सकता है। सिंपली आप लोगों को टिक कौन लगाना है, कसकुता या अमरबेल या डॉडर, तीन तीन नाम से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जनरली ओलंपियाड एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं, समझे। तो ये कैसा है, रूटलेस प्लांट है, और कैसा है, लीफलेस प्लांट है। कौन है, कसकुता। ये कौन है, टोटल पैरासाइट है, मीन्स फुल्ली तरीके से दूसरे पर डिपेंड होती है अपने फूड के लिए। समझ में आया? ये जो प्लांट है वो ना होस्ट के चारों तरफ में घेर लेता है, इट सराउंड्स अराउंड देयर होस्ट। ये क्या करता है, होस्ट क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस पर ये डिपेंड हो अपना फूड बनाने के लिए, मीन्स जिस पेड़ को ये लपेटेगा उस पेड़ को क्या बोलेंगे हम लोग, होस्ट बोलेंगे। ऐसा पेड़ जिसे ये कसकुता प्लांट लपेटेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, होस्ट बोलेंगे। होस्ट हकीकत में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिससे दूसरा आके बेनिफिट ले उसे होस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर कोई भी प्लांट जिस पर कसकुता चारों तरफ से सराउंड करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं कैमरा चेक कर लूँ। समझ में आ रहा है? तो टोटल पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं, जो कि फुल्ली डिपेंड होते हैं अदर प्लांट, क्यों होते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसे बहुत लंबे समय तक ग्रीन लीफ की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है खाना बनाने के लिए, मींस अपना खाना ये दूसरे से ही बना लेगा। एग्जांपल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल कसकुता, उसका अनदर नेम क्या है, अमरबेल या डॉडर। ये रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें प्लेंटी अमाउंट में पाया जाता है, बहुत सारा मिलते हैं आपको। और ये कैसा होता है, रूटलेस होता है, लीफलेस प्लांट होता है, और ये क्या करता है अपने होस्ट को चारों तरीके से घेर लेता है। आया समझ में? नोट डाउन कसकुता जो होते हैं ये पेड़ पर मिलते हैं, बबूल के पेड़ पर मिलते हैं। कसकुता सराउंड अराउंड दी बबूल ट्री, कौन से ट्री पर, बबूल, या इसका अनदर नेम होता है अकासिया ट्री।
कस्कुता सराउंड अराउंड दी बबूल या अकाथिया ट्री. ओके, कस्कुता सराउंड अराउंड दी बबूल या अकाकासिया ट्री. अकेसिया, कई लोग इसे अकेसिया भी पढ़ते हैं, आका अकासिया या अकेसिया. सबसे अच्छा अकेसिया पढ़िए. आ गया समझ में? कस्कुता सराउंड अराउंड दी बबूल या अकेसिया ट्री. किसके अराउंड होता है? बबूल. ये बहुत फेमस सा ट्री है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं. किसे सराउंड करता है? इसका होस्ट कौन है? अकाकासी अका क्या से बोल रहा हूँ, हाँ, अकेसिया ट्री है. अकेसिया ट्री को ये होस्ट की तरह यूज करता है और उसके चारों तरफ से सराउंड कर लेता है. आया समझ में? और कस्कुता जो होता है येल्लो कलर का होता है. किस कलर का? येल्लो कलर का, पीला कलर का होता है. रोप लाइक होता है स्ट्रक्चर. किस कैसा होता है? रोप लाइक. जिस तरीके से रस्सी किसी भी चीज़ को बांध लेता है, उसी तरह से ये जो कस्कुता है ये बांध लेता है बबूल के पेड़ पर. आया समझ में? कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो बांधता है? वो होता है स्टेम. समझ में आ रहा है? और एक और मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ. एक एग्जांपल हो गया कौन सा? कस्कुता, जो कि टोटली डिपेंड होता है. एक और एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल. रेफलेसिया एक ऐसा फ्लावर है जो फॉल स्मेल देता है, बहुत मतलब दुर्गंध फैलाता है. कैसा स्मेल है? फॉल स्मेल. फॉल स्मेल मीन्स इसका स्मेल बहुत गंदा होता है. ये जो रेफलेसिया है ये भी क्या करता है? अपने चारों ओर होस्ट को घेर लेता है. ये जो लीफ होता है इसके चारों ओर होस्ट पाए जाते हैं और रेफलेसिया क्या करता है? उसमें से लगातार खाना चारों तरफ जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, होस्ट पाए जाते हैं, उसे लेता रहता है उस प्लांट से. ये रेफलेसिया जो होता है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सा बात है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर भी है. रेफलेसिया क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर मीन्स सबसे बड़ा फ्लावर किसका होता है? रेफलेसिया का. पॉइंट है वेरी वेरी है, ये पॉइंट ओलंपिक पूछे जा सकते हैं. सब वर्ल्ड लार्जेस्ट कौन है आपसे, तो आपको क्या बताना है? रेफलेसिया है. टोटली पैरासाइट होता है ना, ये फूड स्वयं नहीं है, ये फुल्ली डिपेंड होते हैं दूसरे पर अपने खाना के लिए. आ गया समझ में? आ गया. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, टोटल पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फुल्ली डिपेंड हो, नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन लीव्स. रेफलेसिया का भी लीफ ग्रीन कलर का नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसे ज़रूरत ही नहीं है, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है फूड के लिए. एग्जाम्पल क्या है? कस्कुता या अमरबेल, उसे सिंपली डॉडर भी बोला जाता है. ये रूटलेस होता है, न इसमें पत्तियाँ होती है. ये अपने होस्ट के चारों तरफ सराउंड कर लेता है. कस्कुता ट्री किसके येल्लो कलर का होता है? रोप लाइक स्टेम होता है इसका, जो स्टेम सराउंड करता है चारों तरफ से. किस पेड़ पे? बबूल. और ये इसे क्या पढ़ते हैं? अकेसिया. क्या पढ़ते हैं बोलिए? अकेसिया. अकेसिया. और अनदर एग्जाम्पल क्या है? रेफलेसिया. रेफलेसिया का स्मेल कैसा होता है? फॉल स्मेल, मतलब सरा हुआ अंडा जैसा ये महकता है रेफलेसिया. और ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है. इसका स्मेल कैसा होता है? सरा हुआ सा स्मेल होता है. समझ में आया? आ गया. फिर मैं बताऊँ पार्शियल पैरासिटिक प्लांट.
आ गया। क्या इम्पोर्टेंट है? रेफलेसिया, इसे याद रखना है, इसे मैं बॉक्स में बना दिया था, याद रखना है। ये आपके ओलंपियाड एग्जाम में आ सकते हैं या किसी भी जनरल कंपटीशन में आ सकते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। अब क्या है सेकेंड टाइप? पार्शियल पैरासाइट प्लांट। बोलिए कौन है? पार्शियल, टोटल मीन्स फुल्ली जो डिपेंड रहे, और पार्शियल मीन्स जो किसी फिक्स काम के लिए डिपेंड रहे, पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल धुंधला, पार्शियल का होता है धुंधला, थोड़ा सा ये फूड खुद ही बनाए, पार्शियल पैरासाइट प्लांट। क्या होता है? सच प्लांट्स which synthesize their own food carbohydrates। ऐसा प्लांट जो अपना फूड कार्बोहाइड्रेट स्वयं ही बना ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल पैरासाइट। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? ग्लूकोज। मीन्स ऐसे प्लांट जो अपना ग्लूकोज, जो अपना कार्बोहाइड्रेट स्वयं बना ले, उसे क्या बोला जाएगा? पैरासाइट। बट इसमें एक कंडीशन है, लेकिन इसे वाटर और मिनरल्स के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। बट दे डिपेंड्स अपॉन अदर्स plants for water and minerals। water और minerals लेने के लिए इसे दूसरे पर depend रहना पड़ता है। जैसे autotroph में क्या होता था? ऐसा plant जो ground से water और minerals ले रहा था, लेकिन ये क्या है? ऐसा plant फिर सिंथेसाइज देयर ओन फूड कार्बोहाइड्रेट, अपना फूड बना ले रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन है, बट दे डिपेंड अपन अदर्स प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर और मिनरल्स के लिए दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता हो, आर कॉल्ड एज पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट प्लांट्स। कैसे प्लांट? पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। आ गया समझ में? मींस ऐसे प्लांट जो अपना फूड कार्बोहाइड्रेट स्वयं बना ले, लेकिन उसे डिपेंड रहना पड़े दूसरे प्लांट पर वाटर और मिनरल्स लेने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट। समझ में आया? पढ़िए इसे। सच प्लांट विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड कार्बोहाइड्रेट बट दे डिपेंड अपन अदर प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल्स आर कॉल्ड एज पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। इसका एग्जाम्पल जैसे होता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग मिसल टो। क्या पढ़ते हैं? मिसल। क्या पढ़ते हैं बोलिए? MISLE। मिसल टी साइलेंट है यहाँ पर, और क्या पढ़ते हैं? टो। मिसल टो। क्या पढ़ते हैं? मिसल टो। मिसल टो, मिसल टो। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मिसल टो डिपेंड्स अपॉन मैंगो। ये आम के पेड़ पर डिपेंड रहते हैं अब वाटर और मिनरल्स लेने के लिए। और महुआ, महुआ का नाम सुने हो? और ये महुआ के पेड़ पर डिपेंड रहते हैं अपना वाटर और मिनरल्स लेने के लिए। कौन सा प्लांट? मिस क्या पढ़ते हैं?
जो अपने फूल खाने मींस अपना फूड ही बना, ये जो अपना फूड कार्बोहाइड्रेट स्वयं ही बना लेगा, लेकिन इसे वाटर बॉटल्स चाहिए, मैंगो और महुआ ट्री से लेगा। आ गया समझ में? आ गया। तो ये पार्शियल है, मींस ये आधा काम खुद ही कर ले रहा है और थोड़ी जगहों पर इसे जरूरत पड़ी। समझ में आया? तो इसे क्या बोल दिया गया? पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। और मिसल्टो को और भी चीज बोला जाता है, जैसे बंडा। क्या बोला जाता है बोलिए? बंडा। अगर आप किसी भी फार्मर से पूछेगे तो वो क्या बोलेगा? इसे बंडा, इंडियन फार्मर से, क्योंकि ये रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में बंडा नाम से फेमस होता है। कौन सा नाम? बंडा। किसी भी फार्मर से आप पूछिएगा, वो ज़रूर आपको बताएंगे इसके बारे में। ये मैंगो, महुआ, आम, महुआ के पेड़ के ऊपर रहता है, समझे? और ये क्या करता है, क्यों रहता है? क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स उससे ले रहा है, लेकिन ये अपना फूड स्वयं बना ले रहा है। आ गया समझ में? टोटली पैरासाइट हो गया, पार्शियल पैरासाइट हो गया। अब क्या पढ़ना है बोलिए? इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। हो गया, साफ कर दूं, नोट कर लिए? अब क्या है बोलिए? इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कैसे प्लांट? ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाता हो, उसे क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये सेकेंड टाइप है। कौन सा? इंसेक्टिवोरस प्लांट। सच प्लांट्स व्हिच फीड्स इंसेक्ट, मीन्स ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हो, उसे क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ये भी अपना फूड स्वयं ही बना लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी अपना फूड स्वयं ही बना लेता है फोटोसिंथेसिस करके। इंसेक्टिवोरस प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, सिंथेसाइज देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो इंसेक्ट को खाता है और ये अपना फूड स्वयं ही बना लेता है। ये कैसे पॉसिबल है सोचिए? इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है, वो अपना फूड स्वयं ही बना लेता है विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। मींस ये मिनरल्स भी ग्राउंड से ही ले रहा है, ये वाटर भी ग्राउंड से ही ले रहा है, सनलाइट का एनर्जी भी यूज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जा रहा है इसे, फिर भी ये इंसेक्ट को खा रहा है। क्यों खा रहा है? इसे क्या जरूरत है इंसेक्ट खाने की सोचिए? सोचिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो भी ग्रीन कलर के होते हैं, इसका भी लीफ क्या है? ग्रीन, ग्रीन लीफ। फिर भी ये क्यों डिपेंड है बता दूं? फॉर देयर नाइट्रोजन डिमांड। इंसेक्टिवोरस प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। रुकिए, फिर से लिख देता हूं।
बट दे फिट्स इंसेक्ट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिमांड। नाइट्रोजन की क्यों जरूरत होती है? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, मैंने बता रखा था पिछले लेक्चर में, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मींस अब इस प्लांट को प्रोटीन की भी जरूरत होगी, तो इसे प्रोटीन भी बनाना है, और ये जो प्लांट होगा इसको नाइट्रोजन की जरूरत होगी, और ये प्लांट जहाँ पाया जाएगा वहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और इसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। क्यों ज़रूरत होगी? क्योंकि प्लांट को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्लांट को अदर फूड की ज़रूरत होती है, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो ऑटोट्रॉपिक था उसे प्रोटीन कहाँ से मिल रहा था बोलिए, फार्मर डाल देते थे या वो बैक्टीरिया बना देता था प्रोटीन। नाइट्रोजन क्या करता था, राइजोबियम बैक्टीरिया वाटर में सॉल्यूबल बना देता था, और वो प्लांट ऑटोट्रॉप अपना फूड बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो नाइट्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर वो बैक्टीरिया नहीं है, तब क्या करेगा, यहाँ पर राइजोबियम नहीं है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये जो प्लांट है वो कीड़ा को खाना स्टार्ट किया, मीन्स अपने अंदर ऐसा चीज़ बनाया जिससे ये कीड़ा को इजली खाने लगे, और कीड़ा को खाते ही अपना ये नाइट्रोजन डिमांड फुलफिल कर ले। आ गया समझ में? बट दे फीड इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिमांड। नाइट्रोजन डिमांड की क्यों ज़रूरत है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उसे बॉडी उसकी हेल्दी रहनी चाहिए, मीन्स वो प्लांट हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। ये कहाँ पर पाया जाएगा? दीज आर नॉर्मली फाउंड इन नाइट्रोजन डिफिशियंट रीजन, मीन्स जिस जगह पर नाइट्रोजन की कमी होगी उसी जगह पर यह पाया जाएगा। मीन्स दीज आर नॉर्मली फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट रीजन, मीन्स ऐसे जगह पर पाए जाएंगे जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होगी। आ गया समझ में? प्लांट को नाइट्रोजन की क्यों ज़रूरत होती है? प्रोटीन बनाने के लिए। पढ़िए एक बार, पूरा पढ़िए, तो एग्जाम्पल क्या है इसका बोलिए। पीचर प्लांट सनड्रिव, बहुत सारा है, जैसे ये भी है वेनस फ्लाई ट्रैप, जैसे ये ब्लैडर वॉर्ट हो गया ETC। नॉर्मली कहाँ पाए जाएंगे? नाइट्रोजन डिफिशियंट रीजन में। एग्जाम्पल क्या है? पीचर प्लांट, सनड्रिव, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वॉर्ट। ये जो है सनड्रिव, इसे बोला जाता है डायोनिया। क्या बोला जाता है? कई लोग इसे डायनिया भी पढ़ते हैं, डायनिया या डायोनिया, डायोनिया या डैनिया। जैसे इसका नाम है पीचर प्लांट का नेपेंथस, क्या है बोलिए, नेपेंथस, NEPENTHES। इसका क्या है स्पेलिंग बोलिए, DIONAEA, डैनिया। इतना नोट कीजिए। ये जो प्लांट होता है ये अपने अंदर स्पेशल सा मैकेनिज्म डेवलप करता है फूड को पचाने के लिए। कहीं पर जगह है लिख दूं, ऊपर लिख लिए, नोट कर लिए, तो मैं साफ कर देता हूं।
ये जो प्लांट होते हैं, दीज प्लांट्स डेवलप स्पेशल मैकेनिज्म टू डाइजेस्ट फूड। वो अपना फूड पचाने के लिए, डाइजेस्ट कराने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म का यूज करते हैं, मीन्स स्पेशल तरीके से पचाते हैं। मैकेनिज्म मीन्स तरीका, मीन्स वो स्पेशल तरीके से अपना फूड को पचाएंगे। कर लिए नोट, पूरा साफ कर दूं, जीज प्लांट डेवलप स्पेशल मैकेनिज्म टू डाइजेस्ट फूड। टू ट्रैप इंसेक्ट, अब इसे इंसेक्ट भी ट्रैप करना है तो इसे स्पेशल मैकेनिज्म ही लगाना होगा। दिस प्लांट डेवलप स्पेशल मैकेनिज्म टू डाइजेस्ट फूड टू ट्रैप इंसेक्ट। इसे इंसेक्ट को ट्रैप मीन्स होता है इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। कौन कौन से ये चीज़ का यूज करेगा इसके बारे में अभी हम लोग फिगर बना करके समझेंगे। और ये क्या करेगा, वो जो इंसेक्ट रहेगा उसका सारा एनर्जी चूस लेगा। क्या करेगा, सारा एनर्जी क्या कर लेगा, चूस लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस प्लांट डेवलप स्पेशल मैकेनिज्म टू डाइजेस्ट फूड एंड टू ट्रैप इंसेक्ट। क्या लिखे, एंड टू ट्रैप इंसेक्ट। आ गया समझ में, कर लिए नोट डाउन। फर्स्ट एग्जांपल क्या था, लिख दूं, एग्जांपल क्या था बोलिए, फिर से लिख दूं, नेपेंथस। इसका अनदर नेम क्या है बोलिए देख करके, पीचर प्लांट। आ रहा है समझ में, नेपेंथस या अनदर नेम पीचर प्लांट। कीजिए अच्छे से नोट डाउन, समझ में आ रहा है। मैं का फिगर ओके साफ कर दूं। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है। ये क्या है बोलिए, ग्राउंड लेवल। और ये जो प्लांट है ये ऐसा है, या चलिए ऐसा है, और इसके अंदर क्या होगा, रूट होगा। ऐसा ही रूट होगा, ये क्या है बोलिए, रूट है। और इस प्लांट में और क्या होगा, लीफ होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से एक प्लांट में लीफ है, सिंपली ऐसा लीफ है। और ये क्या किया, लीफ मॉडिफाई कर गया, मीन्स ये लीफ नीचे से और बड़ा होने लगा। लीफ क्या होने लगा, और ये अपना साइज बढ़ाने लगा, और ये बड़ा होने लगा, और ऐसे करके ये ट्विस्ट होते गया। ये लीफ क्या हुआ, नीचे से और बड़ा होने लगा, और ट्विस्ट होने लगा, और एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बना दिया, बकेट जैसा। क्या किया, लीफ धीरे धीरे नीचे से मॉडिफाई होता गया, और यह क्या किया, बकेट जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। और इस बकेट के ऊपर से एक ढक्कन लगा होता है, क्या लगा होता है, लीड। इस बकेट के ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा होता है, एक मान लीजिए ये लीफ है, ये क्या है, लीफ है। लीफ क्या हुआ, मॉडिफाइड, मीन्स लीफ अपना थोड़ा सा शेप चेंज किया, और ये बकेट जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और इसके ऊपर एक ढक्कन भी बन गया,
इस ढक्कन का नाम क्या है? कवर का नाम लीड। अब क्या हुआ, ये जो लीड है ये बहुत सा चमकीला सा मतलब स्ट्रक्चर होता है। कोई इंसेक्ट घूमते 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 आया और ये क्या किया, ये इंसेक्ट मान लीजिए, ये छोटा सा मान लीजिए इंसेक्ट है, घूमते 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 आया और यहाँ पर जैसे पहुँचा, बस ये जो यहाँ पर पहुँचा इसे लगेगा जो अच्छा सा कुछ चीज़ है जहाँ मुझे फूड मिलेगा, और जैसे यहाँ पर ये पहुँचा ये छोटा सा इंसेक्ट, ये क्या होगा, ऊपर से ढक्कन ऐसे बंद। मीन्स जैसे ये लीड है और जैसे इंसेक्ट उधर से आया इस लीड के पास पहुँचा, बस इसे पता लग जाएगा और ये ऐसे ढक्कन को बंद कर लेगा और क्या होगा, इंसेक्ट इसके अंदर में फंस जाएगा, इंसेक्ट इसके अंदर में क्या होगा, फंस जाएगा और इंसेक्ट को खा जाएगा। लीफ क्या चीज़ में मॉडिफाई हुआ, लीफ मॉडिफाइड इनटू पीचर। मीन्स ये बकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, पीचर जैसा, पीचर होता है ना पीचर, वैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। ये क्या है, पीचर है, ये क्या है बोलिए, पीचर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया और उसके ऊपर से कवर लगा हुआ है और ये छोटा सा क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट है और इंसेक्ट को क्या किया, अंदर सीधे अंदर में घुसा लेगा। यहाँ पर क्या होता है, छोटे 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 हेयर भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं, हेयर, क्या है बोलिए, हेयर। ये जो हेयर है ये हमेशा नीचे की ओर रहता है, ऐसे नीचे की ओर, ये हेयर कैसा है, नीचे की ओर। इंसेक्ट आएगा इसके अंदर आराम आराम से, आराम आराम से नीचे की ओर जाते चला जाएगा, जाते चला जाएगा और यहाँ पर आके इंसेक्ट फंस जाएगा, यहाँ पर जाके इंसेक्ट क्या होगा, फंस जाएगा और ये ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन ये जो है ये छोटा छोटा सा हेयर, ये हेयर उसे जाने नहीं देगा ऊपर में, हेयर ऊपर जाने नहीं देगा और इसका जितना जो एनर्जी है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा खाना खींच लेगा इसका। और ये जो हेयर है ये डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, मीन्स ऐसा जूस सेक्रेट करता है जो इसको पचा देगा, सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये सिंपली प्लांट है, किसका है, नेपेंथस का, पीचर प्लांट है। पीचर प्लांट क्यों है, क्योंकि ये पीचर जैसा देखने में है, इसके ऊपर एक लीड लगा हुआ है, लीफ मॉडिफाई कर गया क्या चीज़ में, पीचर में, ऊपर एक लीड है, लीड क्या हुआ, जैसे इंसेक्ट अंदर घुसा लीड खट सीन अंदर बंद। और ये जो हेयर है ये डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है जो कि ये जो इंसेक्ट है इसका सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या है, ग्राउंड है, रूट है, आ गया समझ में। दिस प्लांट डेवलप स्पेशल मैकेनिज्म, ये स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप किया टू डाइजेस्ट फूड, फूड को पचाने के लिए ये स्पेशल तरीका अपना रहा है, टू डाइजेस्ट फूड एंड टू ट्रैप इंसेक्ट, और ये ट्रैप इंसेक्ट को भी अंदर फंसाने के लिए ये स्पेशल सा तरीका अपना रहा है। दिखा, आ रहा समझ में, नोट डाउन कीजिए अच्छे से, अच्छे से फिगर बनाने का कोशिश कीजिए। आ रहा समझ में, मजा आ रहा है, तब तक मैं पानी पी लूं। को पकड़ रहा है, और इस प्लांट में एक लीफ नहीं होते, कई सारे, मीन्स इधर भी लीफ होगा, इधर भी लीफ होगा, सारे जगहों पर होगा, सब जगह ऐसा ऐसा एक पीचर रेडी होगा जो कि क्या करेगा, इसे पकड़ लेगा। क्या करेगा, इस फूड को पकड़ लेगा, जैसे आएगा अंदर में पकड़ लेगा, ऐसे बहुत सारे लीफ होंगे। तो नेपेंथस पीचर प्लांट समझ में आ गया, फिगर बनाइए अच्छे से।
आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या था बोलिए, वेनस फ्लाई ट्रैप। उसका अनदर नेम क्या है, डायोनिया। क्या नाम है बोलिए, डायोनिया। आगे आए कैसे ट्रैप करता है फूड को। अब हम लोग क्या चीज है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप। वो कैसे पकड़ता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर सनड्रीव के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। वेनस फ्लाई ट्रैप ये ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, वेनस फ्लाई ट्रैप में ऐसा रहता है, ऐसा ये जो है, ये है बेस वाला पार्ट, मीन्स ये पार्ट प्लांट से लगा होता है, और ये जो दोनों पार्ट होता है ऐसा होता है, जैसे जैसे ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा कैसे, ऐसे, और ये पार्ट पीछे सटा रहेगा प्लांट से, और ये ऐसा खुला रहेगा, ये क्या है, ऐसा खुला हुआ। फिर इसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा सा कांटा होता है, कांटा जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा इतना बड़ा बड़ा कांटा जैसा स्पाइन होता है, कांटा होता है। क्या होता है बोलिए, कांटा, स्पाइन। इस साइड भी होगा ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा। क्या होगा, इस साइड भी स्पाइन होगा। जैसे कोई आएगा ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर, जैसे भी कोई आएगा, कोई भी इंसेक्ट आया ऐसे पकड़ के बंद कर देगा, ऐसे है ऐसे और ऐसे बंद बंद कर लेगा। उसके बाद इंसेक्ट कितना भी भागने का कोशिश करे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, कांटा लगा हुआ है, ये सब क्या है, स्पाइन है। समझ में आया, तो इंसेक्ट कितना भी भागने का कोशिश करे नहीं भाग पाएगा। ये दो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लोब। ये जो एक पार्ट है इसे बोला जाता है लोब। लोब मीन्स होता है एक पार्ट। क्या है इसमें, कितने लोब है, टू लोब है, तो इसे क्या बोल दिए, टू लोब, मींस दो किनारा वाला पार्ट है। आया समझ में, वेनस फ्लाई ट्रैप इसमें दो लोब पाए जाते हैं, ये क्या है, स्पाइन है। और इसके अंदर भी चीज पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं छोटा 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 छोटा। क्या पाए जाते हैं, ये जो पार्ट है छोटा छोटा इसे बोला जाता है शॉर्ट स्टीप हेयर। शॉर्ट स्टीप हेयर मीन्स ये जो हेयर है बहुत हार्ड होता है। हेयर कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। ये जो हेयर है ये छोटा 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 सब जगह पे रहेगा, छोटा 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 सारे जगहों पे ये हेयर सब जगह पर पाया जाएगा। ये छोटा है बस बहुत कड़ा है, ये कैसा है, छोटा है बस बहुत हार्ड है। और ये जो स्टीप होता है वो होता है रेडिश कलर का, कैसा होता है, रेडिश कलर का। ये थोड़ा सा लाल का होता है जिसे इंसेक्ट को लगता है कि इसके अंदर फूल होगा, जो है छोटा छोटा होता है और वो रेडिश रेड टाइप का कलर होता है, जिसके कारण इंसेक्ट को लगता है इसके अंदर फूड है, और इंसेक्ट अंदर इंटर कर जाता है और ये क्या होता है, बंद हो जाता है। समझ में आया, क्यों होता है रेडिश कलर, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए होता है। क्यों होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये क्या है बोलिए, स्पाइन है। वो क्या है, हेयर है, और ये क्या है, स्पाइन, कांटा है, कांटा, यस। क्या है, स्पाइन मीन्स क्या होता है, कांटा, कांटा। आ रहा है समझ में, ये कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड। ये बाहर नहीं जाने देता है, मीन्स ये गार्ड के समान काम करता है। कैसा काम करता है बोलिए, गार्ड लाइक वर्क्स। आ गया समझ में,
फिगर बनाइए, नोट कीजिए, दिस प्लान डेवलप स्पेशल मैकेनिज्म, ये स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप किया टू डाइजेस्ट फूड, फूड को पचाने के लिए भी, एंड ट्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए ये स्पाइन अपने ऊपर डेवलप किया। स्पाइन क्या होता है, कांटा होता है, हार्ड होता है, ये गार्ड जैसा वर्क परफॉर्म करता है। ये क्या, छोटे छोटे हेयर है जो कि हार्ड होता है, रेडिश कलर का होता है, क्यों होता है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दस वी कैन से डैट, वी कैन से डैट इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस वी ओ आर ओ यू एस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ऑटो ट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये अपना फूड तो स्वयं बना ही रहा है, ये अपना फूड स्वयं बनाता है, ये ग्रीन कलर का भी होता है, ये कार्बोहाइड्रेट भी सिंथेसिस करता है, लेकिन इसके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, और ये जो प्लांट पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन उस जगह पर नहीं पाया जाता है, मीन्स राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, कोई भी फार्मर इस जगह पर जाके फर्टिलाइजर नहीं डाल पाता है, जिसके कारण ये प्लांट अपना स्पेशल तरीका अपना लिया अपना फूड कैच करने का। इसलिए हम लोग बोलेंगे दस इंसेक्टिवोरस प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि अपना ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और ये हेटेरोट्रॉपिक भी है, मीन्स ये अपना फूड के लिए पर भी डिपेंड है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल हेटरोट्रॉप। इसी कारण से हम लोग इसे पार्शियल हेटरोट्रॉप भी कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसे, पार्शियल हेटरोट्रॉप बोलते हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो चलिए यहीं पर आज हुआ लेक्चर समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। आ गया समझ में, नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके कर लीजिए, थैंक यू।